हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और वो है पोहा रेसिपी। पोहा किसको पसंद है प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये है पोहा फाइनल लुक। पहले मैं ये पीनट बादाम में फ्राई करूँगी थोड़ी, इसके लिए पीनट बादाम तो बहुत ज़रूरी है। और ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है मेरे बादाम। तो इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी क्यूमिन सीड्स जो बहुत जरूरी है पोहा के लिए। और इसके बाद मैं डालूंगी काली लिप्स इस सीजन में बहुत मुश्किल है मिलना, तो फिर भी मुझे मार्केट में मुझे मिल गई है। और ये है प्याज, प्याज डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे चॉप कैरेट्स, इसको भी बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल्स पूरी पोहा में देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं डालूंगी ये कैप्सिकम भी मैंने शॉप पर रखा था। और ये इसके बाद डालूंगी थोड़ी ग्रीन चिली, और जिसको ज़्यादा पसंद है ग्रीन चिली आप लोग ज़्यादा दे सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मिर्ची। तो इसके बाद मैंने डालूंगी ये है ब्रोकली। ब्रोकली डालने से ही बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा आती है, बहुत अच्छी आती है। और ये है टोमेटो, ये भी मैंने स्टॉक करके रखी थी। और ये इसके बाद मैंने डाल लिया है। इसके बाद मैंने इसको हाफ कुक करना है, तब फुल कुक नहीं करनी है। और यहाँ पे थोड़ी मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, तो ऑरिगेनो ज़्यादा मत डालिएगा, टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसलिए इसके हिसाब से ही डालना पड़ता है। और इसको ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गया है मेरी ये वेजिटेबल्स। तो अभी मैं पोहा डालूंगी यहाँ पे, जो धो के रखा था ये पोहा। अभी ये सॉफ्ट पूरा सॉफ्ट है ये पोहा धोने के बाद। तो फिर यहाँ पे मैंने फ्राइड जो पीनट्स है वो मैं डालूंगी, डाल दिया है अभी। और अब मैं अभी मिक्स करूंगी एक साथ सबको, ताकि सब एक साथ मिक्स हो जाए। ऑलमोस्ट हो गया है ये। अब मैं यहाँ डालूंगी थोड़ी नमक डालूंगी यहाँ पे, ये नमक डाल लिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से। ये पूरी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। और लास्ट एंड में मैंने ये थोड़ी 2 टेबल स्पून लेमन डालूंगी, मैं लेमन जूस डालूंगी यहाँ पे। और बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पे मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा खट्टा रहेंगे बीच बीच में। और जिसको लेमन पसंद है वो डालिए, और जिसको पसंद नहीं है वो प्लीज़ आप लोग स्किप करिए। मुझे पसंद है, मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है लेमन। और ये फाइनल ऑलमोस्ट मेरी पोहा रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो गई है अभी। और जिसको पसंद है प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए आप लोग। और ये रेसिपी देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।